क्या मजाक चल रहा है, किसके भरोसे छोड़ के रखे हैं? एक भी आदमी नहीं है, खुला हुआ है, कोई आदमी किसी को जरूरत पड़ेगी क्या इसमें सहायता मिलेगा? कौन है यहाँ पे, कौन है ड्यूटी में, किसके भरोसे है? अगर कल नहीं उतरा कल उतार देंगे। हाँ, ये तो गाड़ी सील होगी, फिर नया गाड़ी निकलेगा नहीं। अगर यहाँ आसपास कहीं भी मुझे तुम्हारे यहाँ से लेके इस आसपास में कोई भी ड्रिंक करता पाया गया यहाँ या इस आसपास के परिधि में तुम्हारा, तो फिर दिक्कत होगी। शहर की लचर ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने और सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत करने के लिए गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा एक्शन में आ गए हैं। रविवार की देर शाम से लेकर रात तक एसपी ने बगैर किसी पदाधिकारी को साथ में लिए पूरे शहर का निरीक्षण किया, जगह जगह लगाए ट्रैफिक पोस्ट पर पहुँचे और यहाँ देखा कि कर्मी किस तरह वाहनों की जाँच कर रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न चौक चौराहों पर भी पहुँचे और सुरक्षा व्यवस्था को देखा। इस दौरान गिरिडीह एसपी सीओडी पहुंचे और शराब दुकानदार समेत कई लोगों की क्लास लगाई। एसपी ने थाना प्रभारी कमलेश पासवान को निर्देश दिया कि वे इस तरफ विशेष ध्यान देंगे। गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने कई घंटे तक गिरिडीह शहरी क्षेत्र का निरीक्षण किया जिसमें उन्हें कई त्रुटियां मिली। आप कर के आइए ना। हाँ, कर के आइए ना। आप कर के आए नहीं, बैठ ये यहाँ पे भी आपका फिल्म नहीं आ रही है। कौन फिल्म लगा के दिया? नहीं, पीछे पीछे लगा दिया सर, आगे हम लगा। क्यों लगवाएं? हम अगर पेपर नहीं उतरा कल उतार देंगे। हाँ, ये तो गाड़ी सील होगी, फिर नया गाड़ी निकलेगा नहीं। नहीं सर, हटा देंगे, हटा देंगे। देखो फोन करो तो इसका नंबर है ना यहाँ पे, उसको बोलो। ये क्या मजाक चल रहा है, किसके भरोसे छोड़ के रखे हैं? एक भी आदमी नहीं है, खुला हुआ है, कोई आदमी किसी को जरूरत पड़ेगी क्या इसमें सहायता मिलेगा? कौन है यहाँ पे, कौन है ड्यूटी में, किसके भरोसे है? नहीं तो कोई एक आदमी यहाँ रहेगा ना, यहाँ तो एक भी नहीं है, कोई भी नहीं है। अब जवाब दीजिएगा। अगर यहाँ आसपास कहीं भी मुझे तुम्हारे यहाँ से लेके इस आसपास में कोई भी ड्रिंक करता पाया गया यहाँ या इस आसपास के परिधि में तुम्हारा, तो फिर दिक्कत होगी। आप काउंटर से बेच रहे हैं, लोग खरीदे लेके घर जाए, ना कि यहाँ पी के देख रहे हैं। ये मना नहीं कर, मना करने के बाद नहीं, आप मना नहीं करते हैं तो आप उसको बोलिए, हमारा पुलिस का पुलिस सहायता केंद्र देखेगा आपको। ठीक है, समझे? देख रहे हैं कहाँ गया कमलेश? या तो मैं आपका दो तीन बार स्टेशन का एंट्री करके फिर मैं लिख दूंगा अच्छा से, और किसी का भी दुकान है उससे मुझे कोई परहेज नहीं। अब जो मालिक होंगे ना उनको बता दीजिए। तो मैं शहर की ट्रैफिक व्यवस्था और बाकी चीज़ देखने के लिए निकला हूँ, और उसमें शहर में काफ़ी चीज़ों को मैंने उसमें कुछ कमी पाई है, जैसे ट्रैफिक पुलिस जो थे वो अपने ड्यूटी पर मुस्तैद नहीं थे, और जो भी ट्रैफिक व्यवस्था हमारी चरमरा जाती है शाम को, उसको हम लोग ठीक करने की दिशा में आगे कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम के शहर के कभी सभी चौक चौराहे, बस स्टैंड और बाकी जो भी ऐसे महत्वपूर्ण स्थान है उसमें भी मेरे द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। वैसे असामाजिक तत्व भी देखने में मिल रहे हैं, जो शाम को शराब के नशे में हुड़दंग करते हैं, उनको भी, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। और इसी बीच अभी मुफस्सिल थाना के पुलिस सहायता केंद्र भी मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है। अभी ऐसा पाया गया है कि इसमें कोई भी पदाधिकारी या कर्मी उपस्थित नहीं है,
और इसके लिए जो संबंधित थाना प्रभारी हैं उनसे स्पष्टीकरण की मांग की जाएगी। किस परिस्थिति में यहाँ पर कोई भी कर्मी या पदाधिकारी उपस्थित नहीं है और अभी ये व्यवस्था लगातार जारी रहेगी और हमारा ये प्रयास है कि शहर में जो भी ट्रैफिक व्यवस्था और जो भी असामाजिक तत्वों का जमावड़ा शहर में आए, शाम होता है, देर शाम होता है, उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जा सके और वैसे सभी असामाजिक तत्वों पर कठोर कार्रवाई की जा सके।